पिछले वीडियो में आपने देखा था रैबिस टूर के साथ हम लोग जर्नी स्टार्ट किए थे स्कॉटलैंड का हाईलैंड टूर, और इसी जर्नी के बीच हम लोग देखे थे द केल्पीज, ग्लेन को, ग्लेनफिनन वायडक्ट, और यही देखते हुए हम लोग पहुंच गए थे फोर्ट विलियम जहां पे हम लोग नाइट स्टे करे थे। ये है आपका एलियन डोनन कैसल। ये जो लेक दिख रहा है पूरा फ्रोजन है। हम चाहते हैं कि वर्ल्ड का इतना सुंदर सुंदर जगह आपको दिखा पाए और ये सब जगह का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने ला पाए, तो इसके लिए आपको हमारे द बॉन्ग बैकपैकर्स इन यूके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और चलिए आज का एपिसोड देखते हैं, स्कॉटलैंड एपिसोड 5। इस एपिसोड में हम लोग फोर्ट विलियम से जर्नी स्टार्ट करते हुए आइल ऑफ स्काई में एंट्री करेंगे और रास्ते में जितना भी खूबसूरत सा जगह है वो सब आपको दिखाते हुए चलेंगे, और हम लोग आज रात को पोट्री में ही नाइट स्टे करेंगे। रैबिस टूर के साथ ये है हम लोग का डे 2, और हम लोग फोर्ट विलियम में जिस होटल पे रुके थे पिछले वीडियो में हमने होटल का जो रूम है वो आपको दिखाया था, और हम लोग अभी इसी होटल में ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे आइल ऑफ स्काई के तरफ। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग जब बाहर गए तो देख रहे हैं चारों ओर बर्फ से ढका हुआ है। हम लोग का रैबिस का गाड़ी भी बर्फ से पूरा ढक गया है, और जो विंडो है वो पूरा एकदम बाहर बर्फ जमा हुआ है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ से। रैबिस का एक खासियत है, ये हर एक जगह रुकता है जहाँ पे आपको खूबसूरत सा नेचर देखने को मिले और जो आप एंजॉय कर सको और आपके दिल में कैप्चर कर सको। स्कॉटलैंड एक सच में एक बहुत खूबसूरत सा जगह है, और विंटर में चारों ओर जो बर्फ गिरा हुआ है उससे उसका खूबसूरती और भी निखर के आता है। अभी हम लोग जो प्लेस पे आए हैं ये जगह का नाम है कमांडो मेमोरियल, और ये हम लोग का आज का फर्स्ट स्टॉप है। स्कॉटिश हाईलैंड में लॉक वेक के पास एक मोनूमेंट दिखेगा जिसके टॉप पे 7 हेड है, और उसके साथ ही एक नोखिला सा चीज़ जो नाइफ या खंजर को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो मोनूमेंट है, ये मोनूमेंट के पीछे एक भयंकर एक कहानी है। 1663 में अलेक्जेंडर एंड रेनाल्ड मैकडोनल्ड जब फ्रांस से स्टडी करके वापस घर आए तो उनका ही जो कज़िन थे वो जेलस होके उनका ही मर्डर कर दिया था, उनका सर काट के अलग कर दिया था। फिर 2 साल बाद तक भी जिन्होंने जो किलर थे उनको कोई सज़ा नहीं मिला था। बहुत कोशिश के बाद मर्डरर को सज़ा मिला, हाईलैंड का जो जस्टिस प्रोसेस है उस थ्रू उनको सज़ा मिला, उनका जो सर उधर से अलग कर दिया गया, और उनका सर एज अ प्रूफ कि उनको सज़ा मिला है कि नहीं वो लॉर्ड मैकडोनल्ड के पास भेजना था, तो इसलिए उससे पहले उनका सर को वहाँ पे एक वेल था कुआं उसमें धो के फिर लॉर्ड मैकडोनल्ड के पास प्रेजेंट किया गया। उसी वेल के ऊपर ही ये मोनूमेंट बनाया गया है, इसलिए ये जगह को बोलते हैं वेल ऑफ 7 हेड्स। स्कॉटिश हाईलैंड का जो एनिमल्स है उनमें से एक एनिमल है ये कैटल, बहुत क्यूट दिखता है ये। आइल ऑफ स्काई की ओर जाते हुए फिर से और एक सुंदर सा जगह, वाओ सीरियसली। ये जो सामने सफ़ेद दिख रहा है ये एक्चुअली क्लाउड है, और हम लोग उसके ऊपर आ गए हैं, ठीक है, तो कितना सुंदर दिख रहा है। Rather amazingly, we've got approximately 1 million deer in Scotland. There's actually too many. They're seen as a bit of a pest, and that's because there are no natural predators left.
ये कुछ नज़ारे हैं जो आइल ऑफ स्काई जाते हुए पड़ता है रास्ते में। अभी हम लोग पहुंच गए हैं एलियन डोनन कैसल, बट दुख की बात ये है कि ये समर में ही खुला रहता है, विंटर में बंद रहता है। और आप गेस करिए तो यहाँ पे कौन सा मूवी का शूटिंग हुआ था? कुछ कुछ होता है का टाइटल ट्रैक याद है, यहाँ पे ही शूटिंग हुआ था। ये जो एलियन डोनल कैसल के पास जो लेक दिख रहा है, ये लेक एक्चुअली पूरा फ्रोजन है, पूरा फ्रोजन। फाइनली हम लोग स्काई पहुंचने वाले हैं और ये जो सामने ब्रिज दिख रहे हैं, ये ही स्काई को कनेक्ट करता है और इसका नाम स्काई ब्रिज है। ज़्यादा कुछ कैफेज वगैरह नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे एक छोटा शॉप है, कैफे में। लोग ने ऑर्डर किया है ऑमलेट एग्स एंड मोका, एज यूजुअल मोका। चीज ऑमलेट, अभी हम लोग आ गए हैं डांसगेट कैसल। और ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई लॉक नहीं है, एक्चुअली में ये सी है और उसके पास में ही ये डांसगेट कैसल बना हुआ था। और मैकडोनल्ड्स को ये कैसल बहुत पसंद आया था, तो इसलिए इन्होंने ये जगह को कैप्चर किया था और यहाँ पे रहने लगे थे। बट 1618 के बाद इन्होंने डांसगेट कैसल से डांटुलम कैसल में वो मूव कर गए और उसके बाद से ये कैसल धीरे धीरे अभी इसी यही हिस्सा बचा हुआ है कैसल का। और यहाँ पे एक टाइम पे बहुत लोग रहते थे, लेकिन सब कुछ ना मिलने के कारण यहाँ से बहुत लोग मूव कर गए, बहुत गिने चुने ही लोग अभी यहाँ पे रहते हैं। आज के लिए यही हम लोग का लास्ट डेस्टिनेशन था। विंटर में स्कॉटलैंड में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, 3-4 बजे ही अंधेरा हो जाता है, तो यही हम लोग का लास्ट था। और अभी हम लोग जा रहे हैं पोट्री में, जहाँ पे हम लोग आज का रात को स्टे करेंगे। ये पोट्री का हम लोग का स्टे, मेडिना बीएनबी। तो ये पूरा एक मतलब रूम कम होम टाइप पूरा। स्कॉटलैंड में हम लोग जो हाईलैंड टूर कर रहे थे रैबिस के साथ, तो रैबिस के थ्रू ही हम लोग यहाँ का होटल सब बुक करवाए थे। यहाँ का जो होटल का जो एक्सपीरियंस हम लोग को मिला बहुत ही अच्छा था, खास करके आज का होटल जो पोट्री में एक बीएनबी था मेडिना, तो वहाँ का एक्सपीरियंस था सच में बहुत अच्छा था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको ले चलेंगे आइल ऑफ स्काई का फेमस और बहुत खूबसूरत सा जगह पे, बहुत सारे जगह है नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।